Okay, so good afternoon students. So beta, today we are going to revise the golden rules of national income accounting. मैं इनको golden rules कहती हूँ क्योंकि जिस तरह से हम accountancy में golden rules हमारे होते हैं, ठीक है, there is a real account, there is a nominal account and there is a personal account. उसके golden rules आपको throughout जो commerce के students हैं, once they remember it always. I being commerce student, I still remember debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, है ना. इसी तरह से ये national income accounting के कुछ rules हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, which you have to, you know, not cram, but you have to understand these rules, तभी आप national income accounting समझ पाओगे, उसके सारे numericals कर पाओगे, ठीक है. तो वो golden rules क्या है? सबसे पहले है relationship between gross and net. ठीक है, जब हम, हमारे पास दो तरीके हैं. एक, जब हम टोटल आउटपुट की जो वैल्यूएशन है वो ग्रॉस टर्म्स पे करें. ग्रॉस टर्म्स पे मतलब जिस जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसको एज इट इज एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, दैट इज ग्रॉस. मार्केट वैल्यू में गए, मार्केट प्राइस के ऊपर आपने एस्टिमेट कर ली वैल्यूएशन और कोई एडजस्टमेंट नहीं की, सो दैट इज ग्रॉस वैल्यूएशन. ग्रॉस टर्म्स में वो वैल्यूएशन हो गई, ठीक है. लेकिन अब अगर हम इफ इट टू अकाउंट कंसम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल व्हिच टुक प्लेस व्हाइल प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, हम सबको पता है जब आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो कैपिटल गुड्स की हेल्प से होती है. और ये भी हमें पता है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे टेंड टू डेप्रिशिएट, यानी उनकी वियर एंड टियर होती है, उनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती है, ठीक है. सो इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन दैट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इफ वी टेक इनटू अकाउंट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, देन वी गेट नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट टर्म्स, ठीक है. So, इसका मतलब क्या रिलेशन बना ग्रॉस और नेट में? ग्रॉस या नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है. ये पहला गोल्डन रूल है. आपको कैसे याद रखना है? पहले तो बेटे ग्रॉस और नेट में रिलेशन डेप्रिसिएशन का ही रहता है, ठीक है. ग्रॉस और नेट डेप्रिसिएशन का रिलेशनशिप है इनमें. तो ग्रॉस एक ब्रॉडर टर्म है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. सो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है. ये गोल्डन रूल एक बारी अपने आप मेमोराइज करिए, बोलिए नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है. यानी अगर आपके पास ग्रॉस टर्म्स में वैल्यूएशन गिवन है, आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए. अगर नेट पे गिवन है, ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को एड कर दीजिए, ठीक है. ऑलराइट, कमिंग टू द सेकेंड गोल्डन रूल बेटे, दिस इज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ दिस इज लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, है ना. फैक्टर कॉस्ट कह लो या कॉस्ट कह लो, आपको पता है जिस कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस कॉस्ट पे नहीं मार्केट में बिकते. मार्केट में जब गुड्स आते हैं तो उनमें कुछ टैक्सेस उनके ऊपर ऐड हो जाते हैं जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है. मतलब अगर कॉस्ट 10 रुपए है तो मार्केट में जब गुड्स आते हैं 2 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो वो गुड की मार्केट प्राइस 12 रुपए हो जाती है. इसी तरह से कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सब्सिडी मिलती है, यानी अगर उनकी कॉस्ट 10 रुपए है तो मार्केट में ये गुड्स जो है वो 8 रुपए के बिकते हैं. इनकी मार्केट प्राइस 8 है. 8 क्यों है? क्योंकि 2 रुपए सब्सिडी दी गई है ना. तो जिस चीज से
मार्केट प्राइस बड़ी है, हमें कॉस्ट निकालनी है. सपोज करो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री की कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो वाली कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है ना. यानी हमें फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी है और हमारे पास मार्केट का प्राइस है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम उनमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे. या ऐसे समझो इसको, मार्केट प्राइस कितनी वैल्यू से बढ़ी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू से बढ़ी हुई है. 10 रुपए का पेन बना, 12 में आके बिक रहा है. क्यों बिक रहा है, क्योंकि 2 रुपए इसके ऊपर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स. तो अगर हमने फैक्ट्री की कॉस्ट देखनी है तो 12 में से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे. ठीक है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी की अमाउंट से मार्केट प्राइस कम हुई होती है. जस्ट लाइक एलपीजी सिलेंडर, आप 900 रुपए का सिलेंडर लेते हो लेकिन प्रोड्यूसर कहता है मेरे को 1100 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ती है. ठीक है, लेकिन आपको वो 900 रुपए दे रहा है, तो 150 रुपए इसका मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट का प्राइस कम है. कितनी अमाउंट से कम है, सब्सिडी की अमाउंट से कम है. तो अगर आपने उसकी कॉस्ट निकालनी है तो सब्सिडीज में ऐड कर दो. ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया फैक्ट्री की कॉस्ट और मार्केट के प्राइस में. फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस. ठीक है, और अगर आपके पास सपोज करो यू हैव फैक्टर कॉस्ट, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट मार्केट का प्राइस. फैक्ट्री की कॉस्ट है, मार्केट का प्राइस निकालना है. तो जब मार्केट में गुड्स आते हैं तो उनमें हम क्या ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दीजिए. और जब मार्केट में गुड्स आते हैं तो सब्सिडी की अमाउंट क्या होनी चाहिए, माइनस, क्योंकि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड प्राइस मींस प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, प्राइस लेस देन फैक्टर कॉस्ट. तो सब्सिडी की अमाउंट इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अब इसको हमें कलेक्टिव टर्म देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. ठीक है, ये नेट आ गया ना, एक हमने कलेक्टिव टर्म दे दी नेट. नेट हमेशा जहां पर वर्ड नेट आता है वो दो चीजों का डिफरेंस होता है ना. तो ये किसका डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी. कितने के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे और कितने की सब्सिडी, वो अमाउंट माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. ठीक है, आप खोल के देख लो, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस माइनस प्लस सब्सिडी. सो ये सेम आगे इक्वेशन, वॉट इट. इसी तरह अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. तो खोलोगे तो क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. देखो सेम आया. इज इट क्लियर, ठीक है बेटा. ओके, लेट अस कम टू द थर्ड रूल ऑफ नेशनल इनकम. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट. कल हमने ये किया था डिस्कस, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है. ठीक है, अब उसको हम दोबारा से एक बार ही डिस्कस करते हैं. व्हाट इज नेशनल इनकम, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम.
सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड. जब हम कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमारा मतलब है हमारे जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी फैक्टर इनकम को हम ऐड कर लेंगे. वी आर नॉट कंसर्न्ड कि हमारे फैक्टर इनकम फैक्टर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कहाँ पर जाकर ये इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई हो चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई हो, हमने ये इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में लेनी ही लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक मैच खेला और उसको उसकी वेजेस मिली, वो वेजेस इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी क्योंकि विराट कोहली इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है. लेकिन अगर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जनरेट हुई है तो क्योंकि हम नेशनल इनकम निकाल ले रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद हु जनरेटेड दिस इनकम. सो इफ द इनकम हैज बीन जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, ठीक है. सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम का. Now, domestic income is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of the country, no matter who generates this. जब हम domestic income निकालते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कौन generate कर रहा है, हम देखते हैं कहाँ generate हो रही है ये income. तो अगर जो given income है वो within the domestic territory generate हो रही है तो हम वो डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं. जैसे डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो विराट कोहली की वो इनकम जो कि उसने ऑस्ट्रेलिया में से अर्न की मैच खेल के वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट नहीं हुई. वेयर एज अगर इंडिया में आईपीएल होता है और क्रिस गेल इंडिया से 2 करोड़ रुपए जीतता है, ठीक है, अब क्रिस गेल हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है लेकिन उसकी इनकम जनरेट कहाँ हो रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, तो उसकी इनकम ये डोमेस्टिक इनकम में आएगी, उसकी इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्योंकि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है लेकिन उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगी. यानी अगर हमें डोमेस्टिक इनकम मिली हुई है उससे हमें नेशनल इनकम निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात. यू टेल मी कि मैम 100 करोड़ रुपए इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, अब इसमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, तो मैं कहूंगी बेटे इसमें आपने वो इनकम ऐड की जो क्रिस गेल ने अर्न की थी. आप बोलोगे यस मैम वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई थी, तो क्या वो इनकम नेशनल इनकम में आनी चाहिए, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट की, नहीं की. वो किसने की, क्रिस गेल जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. तो अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है उसको हमने नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूंगी बेटे ये क्रिस गेल वाली इनकम को माइनस कर दो, ठीक है. फिर मैं आपसे पूछूंगी बेटे आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना, आपने विराट कोहली की इनकम ऐड की इसमें. आप बोलोगे नहीं मैम वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हुई है ना, वो डोमेस्टिक इनकम में थोड़ी ना आनी है. तो लेकिन अब जब नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा फिर ऐसे करो विराट कोहली की इनकम को इसमें ऐड कर दो. क्या किया आपने, देखो आपको नेशनल इनकम निकालनी है, आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो मैंने आपको बोला कि आपको अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है बेटे तो विराट कोहली की इनकम को ऐड कर दो. विराट कोहली की इनकम इसमें एडेड क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जनरेट हुई थी, अब्रॉड में हुई थी, ठीक है. लेकिन किसने की है, नॉर्मल रेजिडेंट ने, तो नेशनल इनकम में आनी चाहिए ना, इसमें नहीं डाली थी, अलग से ऐड कर दो. किसकी इनकम, विराट कोहली की इनकम. अब विराट कोहली जैसे बड़े लोग ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके जनरेट करते हैं तो उसको हम एक कलेक्टिव नाम क्या दे देते हैं, फैक्टर इनकम
earned by residents from abroad. रेफरेंस के लिए लिखना है, याद करने के लिए लिखना है, लिख लो फैक्टर इनकम या प्राइज मनी ऑफ या वेजेस ऑफ विराट कोहली फ्रॉम मैच प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया. फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, अब इसमें क्रिस गेल की इनकम ऐड की हुई क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई थी. आईपीएल तो इंडिया में खेला जा रहा है तो इंडिया की टेरिटरी में आई है वो. पर क्या क्रिस गेल हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं है. तो नेशनल इनकम में तो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की लेनी है. तो कोई बात नहीं, हमने डोमेस्टिक में ऐड की थी, अब माइनस कर देते हैं. किसकी इनकम? क्रिस गेल की इनकम. क्रिस गेल कौन है? नॉन रेजिडेंट है ना. उसको इनकम कहां से मिली? इंडिया से मिली. तो उसकी इनकम को क्या कह देते हैं? फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो क्या रिलेशन बना बेटे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम इंडिया. इसकी भी हम, क्योंकि ये भी दोनों का डिफरेंस है, ये भी दोनों का डिफरेंस है, तो हम इसकी कलेक्टिव टर्म क्या लिख देते हैं? नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड. फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स. तो डिफरेंस क्या क्या बोल दिया? नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड. और इसको जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स बोलने की बजाय एक शॉर्ट टर्म इसको कह रहे हैं नीफा. What is NIFA? Net factor income earned from abroad. ठीक है, NIFA is the difference between factor income earned by residents from abroad minus factor income paid to non-residents. ठीक है, so ये हो गया national income. अब अगर इसी से domestic income निकालना है तो क्या करेंगे? National income में से NIFA को minus कर देंगे. नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड. डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नीफा ऐड करना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो नीफा को माइनस करना है. ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे ये फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, विराट कोहली ने 2 करोड़ रुपए जीते, क्रिस गेल ने 1 करोड़ रुपया जीता इंडिया से, तो ओवरऑल इंडिया 1 करोड़ के बेनिफिट में रहा ना. रेजिडेंट्स ने ज्यादा अर्न किए, नॉन रेजिडेंट्स को कम दिए, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 minus 1, 1 crore. सो नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज 1 crore. इट विल बी एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू अराइव एट नेशनल इनकम. अब दूसरा केस लेते हैं, अगर विराट कोहली ने 2 करोड़ जीते ऑस्ट्रेलिया से और क्रिस गेल ने इंडिया से 3 करोड़ जीते, मतलब हमारे रेजिडेंट्स को आए 2 करोड़ और हमने नॉन रेजिडेंट्स को दिए 2 करोड़, तो ये नेट माइनस में आ गया. ठीक है, दिस इज नॉट नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. फ्रॉम की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? टू अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो अगर बेटे आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है तो उसको ऐड करते हैं, लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, निफ्टा, उसको हम क्या कहते हैं? निफ्टा. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो उसको डोमेस्टिक इनकम में से माइनस करेंगे तो नेशनल इनकम आएगा. ठीक है, सो अभी तक आपको हो सकता है ये लग रहा हो, मैं आपसे पूछूं बेटे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से हमेशा ज्यादा होगा, विल नेशनल इनकम
विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम? टेल मी. नो बेटे, देर आर थ्री पॉसिबल सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन, नेशनल इनकम कैन बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो. जब ये नीफा जीरो है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. सेकंड केस, नेशनल इनकम कैन बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम इफ नीफा नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव. ठीक है, इस केस में नीफा पॉजिटिव है तो अगर ये 100 करोड़ है, ये 1 करोड़ है, तो ये 101 करोड़ हो जाएगा. That is national income will be greater than domestic income. तीसरा केस, national income can be less than domestic income when NIFA is negative. यहाँ NIFTA given है आपको, net factor income to abroad लिखा है, या NIFA negative में given है, एक ही बात है. अगर net factor income to abroad है तो वो minus होगा, अगर फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव में है तो भी ये माइनस होगा. ठीक है, माइनस में गिवन है ना, और लिखा फ्रॉम अब्रॉड है, फिर हम प्लस माइनस कर देंगे. ठीक है, जैसे इस केस में डोमेस्टिक इनकम 100 है, नीफा माइनस 1 है, तो 100 माइनस 1 99, नेशनल इनकम 99 इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम 100. अगर लिखा है निफ्टा इज माइनस 2, तो भी हम 100 प्लस माइनस 2 कर देंगे. अगर निफ्टा लिखा है और माइनस में गिवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो ये तीनों पॉसिबल सिचुएशन है. तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि नेशनल इनकम ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम. इट इज नॉट सो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ये रिलेशन है, इक्वल भी हो सकते हैं, नेशनल इनकम ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है. यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क. एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हमने कल किया था, तो एक एग्रीगेट हमने कर लिया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्रीगेट which is national product at market price. So national product at market price, product का मतलब production, मतलब हमने देखना है हमारी economy में total national production कितनी हुई है. तो डोमेस्टिक इनकम जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी आउटपुट जनरेट हुई है. जब हम नेशनल प्रोडक्ट मेजर करेंगे तो वी विल सी कि हमारी इकोनॉमी में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी आउटपुट जनरेट की है. ठीक है, सो हियर एन, इवन दो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल, बट इट इज द आउटपुट विच इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, सो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, सो इट ऑल्सो हैज टू कॉन्सेप्ट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. So what is gross national product at market price? It refers to market value of final goods and services produced by the normal residents of the country during an accounting year inclusive of depreciation. जब हम depreciation को add कर देते हैं, उसको अलग से नहीं निकालते हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट्स की जो कंजम्पशन हुई है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, व्हाट वी गेट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एंड व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन.
इसमें से हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, यहीं पे आपके गोल्डन रूल्स काम आने हैं। सपोज करो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है एंड यू हैव टू अराइव एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस ग्रॉस मार्केट प्राइस द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ डोमेस्टिक प्राइस एट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक है, नेशनल में जाना है, कैसे जाएंगे डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ? वी विल ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, क्या रिलेशन है? डोमेस्टिक में नीफा ऐड कर देंगे तो आपके पास नेशनल आ जाएगा। अब एनएनपीएमपी निकालना है, सपोज करो आपके पास जीएनपीएमपी है, ठीक है, नेशनल नेशनल, मार्केट प्राइस ग्रॉस है, नेट चाहिए। यू हैव ग्रॉस, यू वांट नेट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक बेटे, नेक्स्ट एग्रीगेट फिर कल करते हैं। हमने दो डिस्कस करनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दोनों के अलग अलग वेरिएंट्स। ठीक है, कल परसों जो है हम वो बाकी के दो करेंगे और हमारा एग्रीगेट्स कंप्लीट हो जाएगा। उससे उसके बाद हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट?